मैं जब मानूंगी मैं इस पद के लिए बहुत उम्मीद से उत्साह से खड़ी हुई, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मेरे पिता समान जगदीश्वर जी हैं, मेरे पिता समान हैं जो इसके लिए खड़े हुए हैं और उनके 2000 की कैरियर में आज तक उनको ये चीज़ें नहीं मिली इसके, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनको अपने से ज़्यादा पहले मान्यता देनी चाहिए जो इस चीज़ के लिए बले हुए। मेरा मानना ये है कि मेरी इनकी तो तपस्या और मेरा त्याग जब ही सफल होगा जब आप सब लोग इनके साथ खड़े होंगे। बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस बात को लेकर कि आज यहाँ पे जो चंद लोग हैं, शायद कल हम बैठे तो ये पूरा वो है पूरा भरा हुआ हो। क्यों? संगठन में शक्ति है, मुझे किसी पार्टी से विरोध नहीं है, मुझे विरोध है तो इनके साथ हुए अन्याय से, और मैं आज जो खड़ी हुई हूँ और इनके साथ हूँ और जो समर्थन है वो इसी वजह से मैंने इनको समर्थन दिया है कि मेरे से ज़्यादा इसके योग्य अभी ये हैं और इनको जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बैठे हैं दादरी कस्बे में एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से जो काफ़ी पिछले समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे थे। उन्होंने टिकट मांगी, पिछली बार भी उनको टिकट नहीं मिली, इस बार भी उनको टिकट नहीं मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी से खपा हो गए। क्या कहते हैं जगभूषण गर्ग, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेस वार्ता के लिए। जगभूषण जी, आप बताइए हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए ऐसी क्या वजह रही जिससे आप जो है एक तरह से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से खपा हो गए और आपको उन्होंने टिकट नहीं दिया, क्या मामला रहा? मान्यवर, मैं भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ से जुड़ा हुआ था। मान्य डॉक्टर सचदेवा जी को हम चुनाव लड़ा देते, उनका चुनाव चिन्ह होता था दीपक। उसके बाद जनता दल बना, जनता दल में रहे, उसके बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी बनी। हम भारतीय जनता पार्टी में जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी में, मैंने ना कभी दल बदला। हम लोगों को ये कहा जाता था देखो ये जा रहा जनसंघी, ये बता दें जनसंघी जा रहा है, ये भाई जनसंघी है। मैं जनसंघ से इस पार्टी में हूँ, ना मैंने कभी पार्टी के साथ गद्दारी करी, ना मैंने कभी पार्टी को धोखा दिया। जब कभी पार्टी के साथ कोई भी नहीं होता था, जब मैं उस टाइम कमल के फूल का झंडा उठाए बोलता था। आपको बताऊं, 1995 में मैंने सवा सदी का चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीता, और जीतने के बाद 2000 तक नगर पालिका में सभासद रहा, एक साल डिप्टी चेयरमैन रहा, बड़ी ईमानदारी से काम किया, बड़ी मेहनत से काम किया। उसके बाद मुझसे लोगों ने कहा कि आप दोबारा सभासदी लड़िए, मैंने साफ मना कर दिया कि अगर लड़ूंगा तो मैं चेयरमैन ही लड़ूंगा। जब से ले गए आज तक मैं चेयरमैन ही थी, चुनाव के लिए चेयरमैन ही लड़ने के लिए मतलब मेहनत करता रहा। उस मेहनत को इन्होंने मुझे हर बेर जब जब जर्नल सीट होती थी मैं टिकट मांगता था। जब बहन गीता जब पहली बार जीती उस टाइम मुझसे नवाब सिंह नागर जी ने, अशोक प्रधान जी ने, रवि गौतम जी ने सब ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाओ, लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने, मेरी माता जी ने, मेरे पिताजी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई तुम कहीं बोलो, तुम राष्ट्र कहीं जाओ, किसी में जाओ, हम कहीं को जाए, बस हमारे घर के लेडी सीट कोई नहीं लड़े। उसके बाद जब जनरल सीट हुई मैंने टिकट मांगा, मुझे टिकट नहीं दिया गया, तो मैं अगली बार दे देंगे। उसके बाद मैंने फिर टिकट मांगा, नहीं दिया गया। अब की बार सब लोगों ने मुझे आश्वासन दे दिया, माननीय डॉक्टर साहब जी ने, डॉक्टर महेश शर्मा जी ने, माननीय सांसद जी ने, माननीय विधायक जी ने, माननीय MLP साहब ने, माननीय जिला अध्यक्ष जी ने, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने, सब ने मुझे आश्वासन दे दिया कि अब की बार भाई भूषण भाई टिकट तुम्हारा ही होगा। मैं बोला जी कहीं कचाई ना हो जा, बोला भूषण भाई हमें आप खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, हम जानते हैं कि आपकी 68 वर्ष की उम्र हो गई, अगर अब भी आपको टिकट नहीं देंगे तो कब देंगे। मैंने इन लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मेरी एक इच्छा है कि मुझे एक चेयरमैनी का टिकट दो और मैं चेयरमैन बनूँ। अरे ये इच्छा आज से नहीं है, 2000 तब तक केवल ये कि मैं एक दफ़ा चेयरमैन बनूँ और चेयरमैन बनकर मैं इन लोगों को दिखाऊं कि भाई ऐसे भी काम होते हैं।
मैं चेयरमैन बनना चाहता था मान सम्मान के लिए, कार्य अपने कार्यकर्ताओं का नाम रोशन करो, अपने समाज का नाम रोशन करो, पूरे समाज का नाम रोशन करो। मेरी कभी पैसे कमाने की इच्छा नहीं रही, मेरी कभी गलत सोच की इच्छा नहीं रही, मेरी कभी ये नहीं रही कि मैं किसी का प्लॉट कब जाऊँ, मेरी ये इच्छा नहीं रही मैं LMC पे कब जाऊँ, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं रही। मैं दाल रोटी खाने वाला व्यक्ति हूँ, प्रभु के गुण खाने वाला व्यक्ति हूँ, असली भाजपाई हूँ, कभी संघी हूँ, सब पहले संघी बोलते थे हमारे जनता के लोगों को, RSS के लोगों को संघी बोलते थे, मैं संघी हूँ। वेद प्रकाश गुप्ता जी मुझसे सीनियर है, पूरे ज़िले में अगर कोई सीनियर व्यक्ति है मुझसे पार्टी के अंदर तो वो केवल वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं। आज तक वेद प्रकाश गुप्ता जी जिला अध्यक्ष का पद मांगते आ रहे हैं जब से गौतम बुद्ध नगर बना है, लेकिन माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी को आज तक इन्होंने एक भी दफ़े जिला अध्यक्ष नहीं बनाया। वैश्य समाज के लोगों को इन्होंने कोई वारदा नहीं दी, इन्होंने तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, समाज के खातिर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा अगर साहब, जिस दिन आपने नामांकन किया उसके बाद चर्चा का विषय बना कि आपके आयकर वो GST वालों ने छापा मारा, उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? दिन मैं बाबा खाटू श्याम के दरवाजे पर गया और उनके यहाँ गया तो मुझे पता पड़ी रात को 12 बजे ही मेरे घर पर कम से कम 10-12 पुलिस वाले पहुँच गए। और पुलिस वालों को किन लोगों ने भेजा सब समझते हैं, सब विदित है। उन्होंने जाके वहाँ टॉर्चर करने की कोशिश करी, जब उन पर कोई बहाना नहीं बना तो उन्होंने यह कहा कि अपना GST का नंबर लेकर सुबह 11 बजे थाने में आ जाओ। तो मेरे परिवार के लोगों ने कहा भाई 12 बजे GST का आने का मतलब क्या है? 12 बजे हम तो मुंजी में व्यापारी हैं, GST नंबर तो हमारे बोर्डों पर लिखा हुआ। उन्होंने कहा नहीं, आपको 11 बजे आना है। जब उन्होंने सब ये बात पता पड़ी, मेरे समाज के कम से कम 500-400 लोग, मैं खाटू श्याम में था, 500-400 लोग थाने में पहुंच गए। और थाने में जाकर उनसे पूछा गया, उनसे कहा गया तो उन्होंने बताया कि पुलिस वाले इसलिए गए थे कि हमें ये सूचना मिली है कि आप शराब बांट रहे हैं, आप पैसे बांट रहे हैं जी। तो मैं जब उन्होंने कहा तो आप समाज के लोगों ने कहा आपने वहाँ देखा शराब थी पैसे थे, उन्होंने आपको जगाया, आपने उनको जगाया या वो सड़क पर बैठे थे, ऑफिस में बैठे थे, कहीं बैठे थे? उन्होंने कहा जी हमने तो उन्हें जगाया, वो सूचना गलत निकली, खंडित है, गलत है, ये हुआ। दिल्ली की जनता क्या कहती है आपसे और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप, क्या अपील करते हैं? मैं पहले वैश्य समाज के आगे नतमस्तक हूँ, आज वैश्य समाज का जन बच्चा मेरे साथ खड़ा है। अभी एक मीटिंग हुई मोहन स्वरूप धर्मशाला में, मेरे समाज का एक भी व्यक्ति धर्मशाला में नहीं गया, एक भी व्यक्ति गया। मैं उस समाज के आगे नतमस्तक हूँ और मेरा समाज मेरे लिए सर्वोपरि है। मान्यवर, मेरे समाज ने तो मेरा नामांकन भरवाया है, लेकिन मेरा हर समाज का व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति मेरे को तन मन धन से ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चुनाव लड़ो। बोलिए प्रधान जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी भावना पहले किसी और के साथ थी, मुझे भाई साहब ने BJP के लिए, मैंने इनका देखा तो मेरी भावना इनको देखकर BJP की तरफ हो गया मेरा मन भी, और मैं इन्होंने मुझे BJP की सदस्यता दिलाई और मैं इनको पिछले 15-20 साल से कंटिन्यू मैं इनके साथ हूँ। मुझे आज तक ऐसा महसूस होता है कि इनसे बढ़िया और इनसे भला आदमी और इनका जो शोषण पार्टी ने किया वो कोई भी समाज बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। पूरे सर्व समाज की, SC समाज हो हमारा, दलित समाज, कोई भी समाज हो, आज सब इनके साथ खड़े। और जो नगरपालिका का भ्रष्टाचार, जो गुंडागर्दी है, उसके खिलाफ इतना रोष है लोगों में, इतना विरोध है कि सबके आज जन जन की आवाज़ जगभूषण कर गए और पूरे समाज की आवाज़, पूरे क्षेत्र की आवाज़, पूरे ज़िले की आवाज़ सिर्फ जगभूषण कर गए। आज कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है, सिर्फ जगभूषण कर एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, ये जनता की आवाज़।